अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल किंग कराची अली खान। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो दोस्तों, फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका था सबको इंतज़ार। बिगेस्ट इवेंट अम्मा कैटल फार्म, और मैं मौजूद हूँ इस वक्त अम्मा कैटल फार्म के ऊपर। और यहाँ पर जो है वो आज बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को जो है वो एक हफ़्ता पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी अम्मा कैटल फार्म के बारे में, तो फाइनली जो है वो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब जो है वो प्रोग्राम का वक्फ़तन आगाज़ होगा। मगरिब का टाइम हुआ जाता है, नमाज़ का टाइम है, और इंशाअल्लाह ताला नमाज़ के बाद जो है वो वक्फ़तन जो है जैसे ही प्रोग्राम का आगाज़ होगा, आपको जो है वो अपने चैनल से पूरा इंशाअल्लाह ताला पूरा प्रोग्राम आपको अपडेट करूँगा। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। और आपको मैं जो है वो मेरे बैग पे जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ, मीडिया वॉलपेपर लगा हुआ है अम्मा कैटल फार्म का, सारे यूट्यूबर्स के मोनोग्राम लगे हुए हैं। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, मेरा अपना मोनोग्राम भी अम्मा कैटल फार्म की मीडिया वॉलपेपर में मौजूद है। तो अब जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, आपको जो है वो इनसाइड भी दिखाऊँगा और आउटसाइड भी दिखाऊँगा। बहुत मज़ा आने वाला है, द बिगेस्ट इवेंट इन दिस कराची 2022। तो माशाल्लाह से बने रहिएगा वीडियो के अंदर, और पूरा ओकेजन आपको जो है वो मैं अपने चैनल किंग कराची अली खान से ज़रूर दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन आज की डेट की दी गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही की डेट, आज ही के दिन जो है ये प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है। तो अब चलते हैं अंदर, और क्या क्या मतलब प्लानिंग है वकी भाई की, वो सारी आपको दिखाएँगे। कवाली नाइट्स होने वाली है, और अपना जो है वो फायरवर्क होगा, और बहुत सी चीज़ें जो है वो आज आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको भरपूर शौक दिखाएंगे, कैटल वॉक होगा वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर जो है वो एट दी एंड इस प्रोग्राम का जो है वो एंड करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैं फार्म के अंदर मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं फार्म का एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। साथ साथ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो है वो अरेंजमेंट किया हुआ है अम्मा कैटल फार्म वालों ने, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत वीआईपी स्टेज भी इन्होंने सजाया है। और ये जो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये जो है वो कैटल का रैम वॉक है, जहां पर जो है वो कैटल को वॉक कराई जाएगी। तो कैटल की वॉक भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा, एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ किस तरह से माशाल्लाह से जो है वो अम्मा कैटल फार्म वालों ने मेहनत की है पूरे इस पूरे एक हफ़्ते के अंदर, और माशाल्लाह फार्म को जो है वो एक बेहतरीन जो है वो वीआईपी जिसको कहते हैं तरीके से सजाया है। माशाल्लाह लाइक जिस तरह शादी हॉल सजाया जाता है मैरिज के लिए, माशाल्लाह से उसी तरह जो है वो इस वक्त यहाँ पर रौनक लगी हुई है। और अभी जो है वो वक्फ़तन जो है वो फैमिलीज़ का भी आगाज़ होगा, हो रहा है माशाल्लाह से। काफ़ी तादाद में लेडीज़ फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, और अम्मा कैटल फार्म के ऑनर भी वगैरह भी सब मौजूद हैं। तो माशाल्लाह से उनसे भी आपको जो है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ज़रूर मुलाकात करवाऊंगा मैं, और हाय हेलो उनसे भी इंशाल्लाह होगा। तो ये एक ओवरव्यू देखें, और माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये अब जो है वो इवेंट का आगाज़ हुआ जाता है। माशाल्लाह से अम्मा कैटल फार्म के ऑनर विक्की भाई जो है वो स्टेज पर मौजूद हैं, और जो है वो अब अल्लाह के बाबरकत नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह ताला वक्फ़तन। और माशाल्लाह से लोगों का रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लगा हुआ है, माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और कुछ यूट्यूबर्स आ चुके हैं, और कुछ यूट्यूबर्स का आना भी बाकी है। तो 5 बजे जो है वो टाइम दिया गया था आज का, ये कि थोड़ा सा जो है वो प्रोग्राम लेट हुआ, क्योंकि आपको पता है आज संडे है, तो लोग थोड़ा सा जो है वो लेट निकलते हैं, घर निकलना पसंद करते हैं। तो अब इंशाल्लाह जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ होता है, जैसे ही होता है तो मैं आज इंशाल्लाह वक्फ़तन आपको आगे लेके चलूँगा। पाक सर जमीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अजमे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद, पाक सरज़मीन का निशान,
कुवते अखुवते अवाम कौमुल सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद पाक शाद मंजिले मुराद। उतार से पकड़ लो तुम पीछो पहले केक कटवा देते हैं सही है, उसके बाद रिबन कटवा, या पहले रिबन या फिर बाद में केक सही है, या रिबन पहले, पहले रिबन काट दिया पहले से चलिए जी, प्रोग्राम का स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर जो है वो केक की सेरेमनी होने जा रही है। ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, अम्मा का कंफर्म। से जो है वो क्विज कंपटीशन होने जा रहा है। कबीर भाई जो है वो मुझे नजर नहीं आ रहा, सॉरी, किधर है? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अरे कोशिश कर रहे बच्चों से ज्यादा ज्यादा आंसर दिलवाए, अगर आपके साथ बच्चे हैं ना, मैं चाहता हूँ अरसल भाई ने जो है वो पहला गिफ्ट रैपर बन कर लिया है। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो माजरा चाहूंगा, क्योंकि शोर बहुत है, माइक नहीं है मेरे पास, ताकि जो है ना उधर भी जो है वो लोग जो वेट कर रहे हैं वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। हाफ हाफ कर लेते हैं ना, जब हाफ हो जाए क्वेश्चन आप मुझे बता देगा, मैं नेक्स्ट सेक्शन हो जाए, ठीक है। 10 क्वेश्चन के बाद मैं आपको वहाँ भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोराब रोड मंडी में पिछले साल बाइक का पास कितने का था? सोराब रोड के जितने शॉपिंग है ना बहुत जल्दी क्वालिफाई करने वाले हैं समझता हूँ। 3000। बिल्कुल सही जवाब है, काइंडली सिस्टर को वो दीजिए और अब आगे करेंगे हम। यार पब्लिक तालियां, जो जीतना आप भी जीतेंगे यार, ये पब्लिक ही जीते, तो काइंडली आप भी इनकॉर्पोरेट रखें अपना। देखें गिफ्ट 10% आपको बताना चलूँ बहुत ज़्यादा है, मेरे सवाल से ज़्यादा है, तो जब हमारे तो अब जो है वो रैंप वॉक स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी तैयारी है। तो माशाल्लाह से अब आपको जो है वो अम्मा गडल फार्म के जो है वो जितने भी जो जानवर हैं उनकी रैंप वॉक आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा और माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन लोकेशन है, बेहतरीन लोकेशन है। अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह ताला रैंप वॉक होगा, तो आपको फिर इंशाल्लाह मैं रैंप वॉक दिखाता हूँ।